बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव का समूचा परिवार शनिवार को तिरुपति बालाजी भगवान की शरण में पहुंचा। मंदिर दौरे पर लालू के दोनों बेटों ने अपने सर के बाल मुंडवाए। तेजस्वी की शादी की पहली सालगिरह के मौके पर वहां उनकी बेटियां कात्यानी का मुंडन भी कराया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों के सामने जब उनके मंदिर भ्रमण से जुड़े फोटो सामने आए तब वे इसे राजनीति करार देने लगे। दरअसल शनिवार सुबह तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर इस दौरे की जुड़ी 4 तस्वीरें शेयर की, साथ ही जानकारी दी, हमने सवेरे आंध्र प्रदेश के तिरुपति पर्वत पर उत्कृष्ट शिल्प कौशल के अद्भुत उदाहरण व भक्ति विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना व दिव्य दर्शन कर सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद हासिल किया। लालू के छोटे लाल तेजस्वी के मुताबिक उनके लोगों ने गर्भगृह में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि और कल्याण के लिए मंगल प्रार्थना की। उनकी शादी की सालगिरह के विशेष दिन पर बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर एक यूजर ने लिखा, यही राजनीति कहलाती है। कांग्रेस नेताओं को गैर ब्राह्मण और हिंदू विरोधी बताकर देखिए यह आपके लिए क्या कर रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, पटना पहुंचते आप अपने लोगों से सनातन धर्म को भला बुरा कहलवाएंगे।